गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्पोकन इंग्लिश का दो वीडियो में दो वर्ड दो सेंटेंस लिया था। पहले वीडियो में हमने नाम के बारे में पूछा था, नाम के बारे में वीडियो बनाया था कि अगर आपसे कोई नाम पूछता है आपका, या आप किसी का नाम पूछते हैं तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट इज योर नेम। या तो वो आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब आपका नाम पूछ रहा है, या आप पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर उसके फादर का नाम, उसके पिता, उसके वालिद, उसके अब्बू का नाम पूछ रहे हैं तो कैसे कहेंगे, तो व्हाट इज योर फादर्स नेम। या तो वो आपसे पूछ सकता है, तो अगर पूछ रहा है कोई व्हाट इज योर फादर्स नेम, इसका मतलब कि वो आपके वालिद का नाम पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने वालिद का नाम बताते हैं, माय फादर्स नेम इज। या अगर आपका नाम पूछा जाता है तो आप बताते हैं माय नेम इज, और अगर आपके फादर्स का नेम पूछा जाता है तो आप बताते हैं माय फादर्स नेम इज, ठीक है। या आप पूछते हैं तो अगला जवाब देता है माय फादर्स नेम इज। आप पूछते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो अगला जवाब देता है माय फादर्स नेम इज, जो भी है अकॉर्डिंगली वो बताता है। आज हम पूछेंगे, हम आज की वीडियो में बताएंगे अगला स्टेप हो सकता है, अगली चीज पूछी जा सकती है कि आपका उम्र कितना है, आप कितने साल के हैं। तो या तो आप पूछ सकते हैं किसी से आप कितने साल के हो, या अगला पूछ सकता है कि आप कितने साल के हो, तो कैसे पूछा जाएगा। वो आपसे पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू, इसका मीनिंग है कि वो आपसे आपका उम्र पूछ रहा है। तो क्या पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछ रहा हो या आप पूछेंगे, क्या पूछा जाता है, हाउ ओल्ड आर यू। ये क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, इसका क्या मतलब है, आप कितने साल के हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जवाब देते हैं आई एम जितना एज हो इयर्स ओल्ड। सपोज दैट कि आप 10 साल के हैं तो आप कहेंगे आई एम 10 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, इसका क्या मतलब हुआ, आप कितने साल के हैं, आप की, या ऐसे कह सकते हैं, या आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उम्र के बारे में बात किए हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने उम्र के बारे में बातें किया है कि उम्र कैसे पूछा जाता है इंग्लिश में, कैसे पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। तो हम आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग स्टेप पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको स्पोकन में ये मेरा एक सेंटेंस हेल्पफुल होगा, और अगर लगता है कि आपको ये हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।